सो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर का फैंस भी सब्री से इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार भी खत्म हो गया है। जी हाँ, जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है लेकिन ट्रेलर आते ही ये फिल्म लोगों के निशाने पर आ गई है। As you heard that right, जहां आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का सोशल मीडिया पर अब बॉयकॉट हो रहा है और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सो क्या है the actual reasons कि ये पर्टिकुलर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है? लेट मी टेल यू, reasons बहुत सारे हैं। सो वो reasons को जानने से पहले और ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले, नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रही हैं DNP India। Firstly, welcome back to our channel। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP India को सब्सक्राइब नहीं किया है, then what you waiting for? Please कर लें और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी videos, like all the videos that you like and love, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। दरअसल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की आधिकारिक रीमेक है, हिंदी रीमेक है, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका भी निभाई है। यह फिल्म OTT पर मौजूद है और ऐसे में लोग फिल्म को कॉपी करने से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इसके अलावा लोगों का आरोप है कि आमिर खान ने पहले कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ हैं। इसके अलावा आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव के पुराने बयान, पुराने स्टेटमेंट्स का भी अब एक बार फिर से विरोध किया जा रहा है। जहाँ आमिर खान की फिल्म को विरोध करते हुए ट्विटर पर एक यूज़र ने लिखा है, अपनी राय दी है और कमेंट किया है कि आमिर खान कहते हैं कि देश इनटॉलरेंट हो गया है और वे भारत को अब छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कई यूज़र्स ने मीम शेयर करते हुए उन्हें ट्रोल भी किया है। वहीं लोगों ने करीना कपूर खान को भी लपेटे में ले लिया है। जी हाँ, वहीं एक यूज़र ने लिखा है कि दोस्तों, करीना कपूर खुद कहती हैं कि वो अपनी फिल्म नहीं देखती हैं, तो और आपको भी देखने की नहीं ज़रूरत है, तो मत जाओ उनकी फिल्म देखने। सो जैसे कि अब समझ ही आ गया होगा आप में से बहुत से लोगों को कि आमिर खान के कुछ पुराने स्टेटमेंट्स लोग पकड़ रहे हैं और उनके एक्शंस को बोलते हैं ना ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अब एट प्रेजेंट 2022 में उसको सामने ला रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग फॉरेस्ट गम को देखने के लिए बोल रहे हैं रादर देन लाल सिंह चड्ढा, जो अमेजोन प्राइम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। वेयर सम आर राइटिंग ही वंडर व्हाई स्टार स्पोर्ट्स इज गिविंग हिम द प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट अ ट्रेलर ऑफ iconic movie which is copied by a person who feels unsafe in India and now he is here to promote his movie, so it's better to boycott hashtag boycott Lal Singh Chadda। सो बीते दिनों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान सड़कों पर आमिर खान के पोस्टर फाड़े गए, जलाए भी गए। जो सनातन रक्षक सेना ने भी आमिर के पुराने बयान का विरोध किया है। जहाँ आमिर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ 4 साल बाद सिनेमाघरों में लौट रहे हैं और उनकी आखिरी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है जो फ्लॉप रही थी। वेल, इस हैशटैग पे, दैट इज हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा पर आपका क्या टेक है? Which side are you on? So that was all for today's segment. अगर आपको हमारा आज का content और video अच्छा लगा, then please don't forget to like, share and subscribe to DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी follow कर सकते हैं। Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP India.